Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. वीडियो के टाइटल से ही आप सबको पता चल गया है कि आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ L'Oreal Paris 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम की, विच इज दिस सीरम. और ये सीरम ना हाईली टॉक्ड सीरम है इंटरनेशनली, एंड ये इनफैक्ट नंबर वन सीरम है USA, चाइना और यूरोप में, एंड नाउ इट इज अवेलेबल इन इंडिया. आई एम सो हैप्पी दैट L'Oreal Paris हैव फाइनली लॉन्च्ड दिस हाइलुरोनिक एसिड सीरम इन इंडिया. मुझे काफी कुछ इसके बारे में बताना है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है. मेरे काफी सारे एक्सपीरियंस है इस सीरम के साथ, दैट्स वाई अभी मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम टू शेयर द रिव्यू. सो मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने काफी सारे इंडियन एज वेल एज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को इस सीरम के बारे में बात करते हुए सुना है. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड कि मैं इसे कब ट्राई करूंगी, एंड मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं कब आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी. इवन यू ऑल नो कि हाइलुरोनिक एसिड के बारे में डर्मैट्स कितना ज्यादा बोलते हैं कि वो हमारे स्किन के लिए एक होली ग्रेल है, एंड स्किन के लिए एक क्वीन इन्ग्रीडियंट है, हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. सो इट्स काइंड ऑफ डर्मैट फेवरेट, क्योंकि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बोलते हैं. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली है क्या. इट इज काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है. हमारे बेसिकली वो हमारे स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड आईज में पाए जाते हैं. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हाइलुरोनिक एसिड लेवल डिक्रीज होता जाता है बॉडी में. एक्चुअली उसका जो फंक्शन है वो है कि वो वाटर को होल्ड करके रखता है, दैट्स वाई हमारे टिश्यूज मॉइस्ट होते हैं. सो बेसिकली वो हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छा है. सो जब हमारी एज बढ़ती है इसका लेवल, हाइलुरोनिक एसिड का लेवल डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल, सैगिंग एंड कोई भी ग्लो नहीं रहता, डल स्किन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन दिखने लगती है. सो उस टाइम हमें हाइलुरोनिक एसिड सीरम अगर हम इस्तेमाल करेंगे, अपने स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करेंगे, तो वो जो मॉइस्चर है स्किन में वो फिर से वापस आती है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड फील होती है. दैट्स वाई मैंने इस सीरम को ट्राई किया है, एंड ऑनेस्टली मुझे मेरा जो ओपिनियन है वो शेयर करना था कि क्या ये डेफिनेटली वर्क करता है, क्या ये आपके स्किन को यू नो यूथफुल, यंगर लुकिंग बनाता है. सो वही मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो बेसिकली इसके अंदर है 1.5% हाइलुरोनिक एसिड. नाउ ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हाइलुरोनिक एसिड सीरम में प्रेजेंट है. ऑल्सो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, दैट इज परफेक्ट. ये एकदम परफेक्ट कंसेंट्रेशन में इसके अंदर प्रेजेंट है. ये कोई डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं है, दिस इज टोटली कंसेंट्रेटेड. सो आई जस्ट लव दिस फैक्ट. ऑल्सो ये ना बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी है, नॉन ऑयली फिनिश है. सो आई ऑल्सो लव दिस कि ये बिल्कुल भी स्टिकी या चिपचिपा नहीं है, फेस को ऑयली भी नहीं बनाता, इंस्टेंटली अब्सॉर्ब होता है. ऐसा नहीं लगता कि कुछ मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पर. सो ऑल्सो ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ अप्लाई करूँ और फेस में वो दिखे कि मैंने कुछ अप्लाई किया है, चिपचिपा लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है. ऑल्सो आपको जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ. उससे ही पूरा फेस आपका बहुत ज्यादा प्लम्प एंड हाइड्रेटेड एंड रेडियंट फील होती है. सो आप इसे डे टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इसके बाद आपको डेफिनेटली अपना फेवरेट या जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं अपना मॉइस्चराइजर या क्रीम आपको इस्तेमाल जरूर करना है. अगर आप बाहर जा रहे हैं मॉर्निंग में तो आप सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, अगर रात में है या फिर घर में है तो आप जस्ट नॉर्मल मॉइस्चराइजर अपने फेस पर इस्तेमाल जरूर करें. ऑल्सो दिस सीरम इज गुड फॉर सेंसिटिव स्किन एज वेल, क्योंकि इसके अंदर कोई एल्कोहल नहीं है, कोई कलरेंट या फ्रेग्रेंस नहीं है. सो सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, ऑयली ड्राई नॉर्मल स्किन के लिए भी ये अच्छा है. ये ऐसे ड्रॉपर फॉर्म में आता है तो ये एप्लीकेशन काफी ज्यादा इजी है, हाइजेनिक है, क्योंकि फिर आप बॉटल में अपना जो फिंगर वगैरह है वो नहीं डाल रहे हैं. डायरेक्टली यू आर पुटिंग द सीरम ऑन योर फेस, तो काफी ज्यादा हाइजीन मेंटेन किया है पैकेजिंग में भी. ऑल्सो ये आपको 2 packages में 2 sizes में अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज 15 ml विच रिटेल्स फॉर 499 rupees. सेकेंड इज 30 ml जो कि ये वाला है, इसका प्राइस है 999 rupees. सो जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी परचेजिंग लिंक्स है वो मैंने प्रोवाइड किया है, सो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. L'Oreal Paris 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है हाइलुरोनिक एसिड, विच हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 1000 times its own weight in water. Also, ये आपके skin radiance को by 42% increase करता है, and you can see the glow on my face.
इंस्टेंटली ये फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, फेस को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और ड्यूवी बना देता है, विच आई लव। और कितनी जल्दी ये मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया, यू कैन सी द रेडियंट द ग्लो ऑन माई स्किन। सो आई जस्ट लव यूजिंग दिस फेस सीरम ट्वाइस डेली। Definitely this is must have. अगर आप अपनी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड को इंक्लूड करना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर दिस सीरम, बिकॉज आई जस्ट लव दिस सीरम। ऑल्सो ये सीरम आपके फेस को ना बहुत ही ज्यादा यूथफुल और यंगर लुकिंग भी बनाता है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट। और मेरा जो कंक्लूजन था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई वुड से कि या दिस इज वर्थ बाय, आई वुड से। और या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।